इन पे शायरों ने किताबें भर दी इनकी खूबसूरती पे लिख लिख कर, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इनको पसंद भी सिर्फ खूबसूरती ही आती है, चाहे वो व्यक्ति में हो, चाहे व्यक्तित्व में हो, चाहे कुदरत के किसी नज़ारे में हो या भगवान की किसी प्रतिमा में हो, चाहिए इसको खूबसूरती ही। और कुछ ऐसे लोग जीवन में मिलते हैं जिनके अंदर ये खूबसूरती देखने और देखने का टच तो बहुत लोगों में हो सकता है, लेकिन खूबसूरती दिखाने का, खूबसूरती को जीने का अंदाज कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनके अंदर एक अलग निराला सा होता है। जी, मैं बात कर रहा हूं हमारे जयपुर शहर के एक ऐसे शख्सियत की जिनका नाम अजय चोपड़ा है और जिनको सारा शहर जानता है। अजय के साथ मेरे प्यार की, मेरे इश्क की, मेरी मुलाकात की ये 25वां साल है। सिल्वर जुबली मना रहे हैं। 1995 में मिले इस शख्स से, और कोई बहुत ज्यादा मिलना भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि हम कहीं इकट्ठे बैठे रहे हों या कोई मिलते रहे हों या घर में आना जाना रहा हो, लेकिन इस शख्सियत के नज़दीक हर पल आते रहे। और ख़ास तौर पर आज का जो समय है, दिवाली का, दिवाली के समय इनके और नज़दीक आते गए। कारण ये रहा कि दिवाली को, हर दिवाली पर ये पता नहीं कितनी मेहनत से एक ऐसी चीज दिवाली कार्ड के रूप में क्रिएट करते हैं जो शायद इनकी क्रिएटिविटी का बहुत नायाब खूबसूरत गहना होता है। इससे पहले कि मैं उन चीजों की बात करूं और अजय जी के साथ मुखातिब हों, मैं एक चीज आपसे लिबर्टी लेते हुए एक चीज शेयर करूंगा। मेरे हाथ में अजय जी का कार्ड है जो इन्होंने शायद कारगिल की साल में दिवाली पे बनाया था। उन 519 शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए जो इन्होंने कविता लिखी थी, वो आज सार्थक इसलिए है कि आज कोरोना के टाइम में हमारे बहुत से साथी, दुनिया में बहुत से लोग कोविड की वजह से चले गए, तो आज दीपावली के इस अवसर पर और अजय के साथ बात करते हुए इस अवसर पर उनको मन से श्रद्धांजलि देते हैं। और मुझे लगता है कि अजय की ये कविता उस श्रद्धांजलि का एक बेहतरीन जरिया है। इस कार्ड में कारगिल युद्ध के बाद दीपावली पर अजय लिखते हैं, 519 घर ऐसे हैं जिनके घर का चिराग बुझ चुका है। वो शहीद जिनकी कुर्बानी ने हमारी इस दीपावली को संभव बनाया, उनके घरों में हम 100 करोड़ भी मिलकर वो रोशनी ला नहीं सकते, पर एक अतिरिक्त प्रयास करें, उनकी याद में एक दिया अधिक जलाकर इस पर्व को अलौकिक बनाएं। इससे खूबसूरत और इतने कम शब्दों में कौन सी श्रद्धांजलि दी जा सकती है देश के वीरों को। और आज कोविड से जो शहीद हो गए, बिना किसी कसूर के, हम दीपावली पे कोशिश करेंगे कि एक दिया और जलाकर उनको श्रद्धांजलि दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अजय जी से मुलाकात करते हुए अजय से ही पूछते हैं कि अजय, जो हर दीपावली को आपके अंदर ये जो एक क्रिएटिविटी आती है, गुलजार साहब ने लिखा कि बात कागज पे तो दिल से आती है, लेकिन ये दिल में कहां से आती है? तो अजय जी से यही पूछते हैं कि अजय जी ये दिल में कहां से आती है? जी अजय जी। कामराज जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो कहा, मेरे पास उसके शब्द नहीं है और कोई शब्दों की आवश्यकता होती भी नहीं हर वक्त कि आदमी शब्दों के को लेकर के उनकी जगलरी करता रहे और उनसे अपनी भावना व्यक्त करे। मैं सिर्फ मुस्कुरा सकता हूँ आपके प्रेम के प्रति और आभार व्यक्त कर सकता हूँ कि आपने 25 साल की अपना जो रिश्ता रहा है उसको कुछ ही शब्दों के अंदर उस जर्नी का एक रूपांतरण आपने प्रस्तुत कर दिया। सबसे पहले आपने आंखों की बात कही, मैं उस पर जब आपने कहा तो मैंने जो ऑब्जर्व किया लाइफ में वो बताना चाहूंगा कि बिल्कुल आप सही कहते हैं जी, आंखें खूबसूरती को ही अट्रैक्ट करती हैं, शायद बनी इसीलिए। पर मैंने एक जो इसमें जो एक कहना कि जो मैंने ऑब्जर्व किया एक दिन ब्रश करते करते कि भगवान ने आंखें भी क्या खूबसूरत बनाई हैं, क्या सोच के बनाई हैं कि हैं तो ये ब्लैक एंड व्हाइट पर दिखता सब रंगीन है। क्या मतलब, लुक एट द यू नो द कॉन्ट्रास्ट, द वाइड स्पेक्ट्रम दैट इन स्पाइट ऑफ कि हमको छोटी सी आंखों ने हमको 360 डिग्री के लगभग हमको पूरी एक एनवायरनमेंट की एक्सपीरियंस कराती हैं। और उसी एक्सपीरियंस से, उन्हीं आंखों से जो हम देखते हैं, जो हम प्राप्त करते हैं, उसी को मैं ऑब्जर्वेशन कहता हूँ और शायद वही ऑब्जर्वेशन होता होगा। तो आंखों की महत्वता ही यह है कि आंखों से ही आदमी समझता है, उन्हीं से अपनी स्टोरी बुनता है और शायद आंखों के माध्यम से जाहिर करता है। हाथ भी काम आ जाते हैं, कई बार गला भी साथ निभाता है, कई बार कोई मतलब गीत गा के, कोई अपनी कलाकृति करके। पर आंखें ना हो तो शायद हम देख ही नहीं पाएंगे, तो हम उसको हमने जो ऑब्जर्व किया है वो हम उसको रिलेट कैसे करेंगे, बड़ी दिक्कत वाली बात होती है, होगी शायद। बट फिर भी आप दृष्टिहीन लोगों के लिए जितना काम करते हैं तो शायद हम उनसे भी कुछ सीखें कि दृष्टि नहीं होते हुए भी वो शायद जीवन में हमारे कितने रंग भर सकते हैं। वो एक अलग तरह का अनुभव है। आपने मेरे से पूछा कि ये दिल में कहाँ से आती है, ये रहस्य मैं भी नहीं जानता और ये शायद एक सतत प्रक्रिया है जो कि हर इंसान अपने हिसाब के अंदर कहीं महसूस करता है। और मैं जैसे कहता हूँ, द ब्यूटी लाइज इन द मिस्ट्री, नॉट इन द रेवल्यूशन। वो रहस्योद्घाटन हो जाए कि कहाँ से आया तो फिर तो ब्यूटी खत्म हो जाएगी, वो मिस्ट्री होनी चाहिए। तो मेरे को खुद को नहीं पता कहाँ से आती है, पर मेरे को लगता है कि मैं अपने हिसाब से कुछ नॉर्मल सी हरकत करता हूँ। अब नॉर्मल ट्राई तो नहीं करनी पड़ती, कोई दिवाली कार्ड, क्योंकि आज विषय दीपावली कार्ड का है और मेरे दीपावली कार्ड मेरे को बनाते बनाते लगभग ये 36वां साल है। कभी सोचा नहीं था कि ये इतने लंबे समय तक चलेगा। कैसे बनते हैं, क्या होता है, आई रियली डोंट नो। The answer is very simple. They just come in the heart from I don't know where. आपको अजय जी, मैं कई बार मैंने ये आपको इसकी कंसीव करते हुए भी देखा है और फिर डिलीवरी के टाइम में भी देखा है। तो आप ऑलमोस्ट शायद मैं ज्यादा बढ़ा के नहीं बात कह रहा, लेकिन शायद आप 9 महीने ही लगा देते हैं इसको कंसीव करने के बाद डिलीवर करने में। नहीं आए, आप जो कह रहे हो उससे अब तो ये हालत हो गई है कामराज जी कि मैं आज दिवाली, अभी तो आई अभी आने वाली है, 14 तारीख को है, पर मैं नेक्स्ट दीपावली कार्ड मेरे ऑलरेडी माइंड में चल ही रहा है, क्या है वो, क्या होगा मुझको खुद को नहीं पता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं अगर कभी ट्रैवल भी करता हूँ बाहर विदेश या कहीं देश पे या कहीं पे, तो कई बार पत्ता भी देखता हूँ या पिजन भी देखता हूँ, तो मेरे को उसमें भी दीपावली कार्ड के कुछ अंश दिखते हैं। अब कुछ आदत वैसी बन गई है, क्योंकि मेरी वाइफ भी मेरे साथ चल रही होती है, तो वो भी कोई चीज ऑब्जर्व करती, बोलती कि ये दिवाली कार्ड के लिए कैसा होगा। अच्छा। चाहे वो फरवरी का महीना ही हो, तो मैं सोचता हूँ कि हाँ। पर कई बार एक बड़ी अजीब सी घटनाएं भी ऐसी होती है कि जैसे कोई एक जगह मेरे को पैड़ी मिल गई लकड़ी की, न्यूयॉर्क के अंदर म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में। पैड़ी सामने थी, छोटी सी, इतनी सी, करीबन 5 इंच की, पर उसको देख के लगा कि इस पे दिवाली कार्ड बन जाएगा। क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या लिखूंगा, कुछ नहीं पता। मैंने उसको खरीद लिया। उनका हम बेचेंगे नहीं, तो बेचेंगे नहीं तो फिर कैसे लेंगे हम इसको, क्योंकि वो उनके डेकोरेशन में थी। वहां पे बहुत जिद्दोजहद करके, उनसे रिक्वेस्ट करके, कैसे न कैसी, मैं, आप सोच लीजिए कि मैं लगभग उनसे, उनके हाथों से खोस के लाया, जैसे मारवाड़ी में कहते हैं। तो वो ला करके वो मैंने अपने सामने रखी और देखता रहा उसको 2-3 महीने, 4 महीने तक। और उसी से मेरा एक दीपावली कार्ड बना था जो कुछ वर्ष पहले। तो वो कोई इनको स्टोरी निकल के आ जाती है। तो यस, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, इट नेवर स्टॉप्स। शायद इसकी बात कर रहे हैं आप। जी, यही बिल्कुल सही है, यही वाली है। तो मैं इसका और सीढ़ी, मैं इस कार्ड से थोड़ा अंश पढ़ के सुनाऊंगा अपने व्यूअर्स के लिए। आखिर चक्कर सारा कुर्सी का था, आखिर चक्कर सारा कुर्सी का था, और कैकई ने, देखिए कहां से कहां ले गए हैं, और कैकई ने वरदान ही मांग ही लिया। दशरथ वचनबद्ध रहे। राम ने पिता के वचन को सिद्ध करने की सौगंध खाई, चाहे उन्हें सिंहासन के उत्तराधिकार प्राप्त थे, पर वे वचनबद्धता के साथ थे। कर्म, धर्म, त्याग, वचन की 4 सीढ़ियां चढ़े, तब जाकर राम से वो राजा राम बने। तो अजय ने इस कुर्सी के साथ सीढ़ियां भी दिखाई हैं, और ये बड़ा प्यारा सा कार्ड इन्होंने तब बना के दिया था। मुझे इनके कार्ड सहेजने का बड़ा बीमारी है। मैं इसे बीमारी इसलिए कहूंगा कि जब ये आता है कार्ड, तो मैं इसे किसी को कुछ छूने नहीं देता। अब तो सबको पता लग गया कि इस बंद लिफाफे को संभाल के दे दो पापा को, नहीं तो इनका मूड खराब हो जाएगा अगर थोड़ा बहुत भी किसी तरफ से। मैं लिफाफा भी नहीं मुड़ने देता किसी तरफ से। लिफाफा भी अजय जब आपका खोलता हूं तो इस प्रकार से खुलता है कैंची से कि ऐसा भी नहीं लगेगा कि वो खुल चुका है या बंद पड़ा है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं इस बात का एहसास करवा रहा हूं कि अजय, आप जो क्रिएटिविटी, जो खूबसूरती आप ढालते हैं उन महीनों में, वो सामने वाले पे वैसा ही इफेक्ट करती है। मुझे एक बॉम्बे में म्यूजिक का कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें नूर जहां जी 25 साल बाद भारत आई थी, काफी साल पहले की बात है, शायद सन मुझे याद नहीं। तो दिलीप कुमार साहब ने उनकी खैर मकदम करते हुए उनका ये बात कही कि नूर जहां जी आप 25 वर्ष बाद भारत आई हैं, और यकीन मानिए कि हमने 25 वर्ष ही आपका इंतजार किया है। तो आप 1 साल जो लगा देते हैं कार्ड बनाने में, यकीन मानिए जो आपको प्यार करते हैं वो 1 साल ही आपके कार्ड का इंतजार भी करते हैं। मैं नतमस्तक हूँ आपने जो कहा उसके लिए, और मैं क्या कहूँ, समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली कामराज जी क्या है कि ये जो हरकत जो दीपावली कार्ड की है ना, ये मैं शायद अपने लिए करता हूँ। लोग आप जैसे जो मित्र हैं, कोई और नज़दीक वाले हैं, मैं जानता हूँ कि वो इंतज़ार करते हैं, वो जिक्र भी करते हैं जैसे आप आज कर रहे हैं, तो वो मेरे को उत्साहित करता है अगले साल के लिए। कह रहे ये तो मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि कुछ कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। पर वो बात प्रेशर की नहीं होती है, ये एक मेरा गेम है जो मैं अपने आप से खेलता हूँ, अपने ख्यालों से खेलता हूँ। और वो ऐसे करते करते ये कहानी चल पड़ी। तो आई थिंक ये मेरी एक खुद की एक एफर्ट है, मेरे में आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन माई मैनर एंड आई शेयर इट विद माई पीपल हु आर अराउंड मी और वो रिलेटेड टू मी। और ये इसी तरह से सिलसिला चल रहा है। कोई कहता तो है नहीं मेरे को कि आपको कार्ड बनाना ही होगा, ये तो मैं खुद ही अपनी डेडलाइन तय कर, दिवाली हर दिवाली एक डेडलाइन तय कर देती है। लोग दीपावली की डेट कब होगी वो जानते हैं, उससे पहले शायद मैं जानने लग जाता हूँ कि मेरे को पता है कि मेरे को उस टाइम तक उनके कार्ड उस वक्त तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो मेरे को एक्शन में अगस्त से आना पड़ेगा या जुलाई से आना पड़ेगा या सितंबर से तो मेरे को स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो वेल दिस इज द वे इट हैपन्स एंड सो आई थिंक इट इज माय मेरी एक हरकत है जो मैं अपने लोगों से शेयर करता हूँ और वो उनको अच्छी लगती है। तो आई थिंक वो मेरे को इंस्पायर करती है। ये आपकी बात तो आपके पिताश्री धर्मचंद जी की जो आपने मेरे को पुस्तक दी थी और उसके जो बैक पेज पे जो उन्होंने कविता लिखी है, उस कविता का भावार्थ भी यही है कि जब किसी को अपने मूल्यों से लड़ाई करनी पड़े, जब व्यक्ति को किसी किस्म की भी जरूरत आन पड़े तो मुझे याद ना करना पड़े, मैं याद आ जाऊं। तो जो बात उन्होंने लिखी कि मैं याद आ जाऊं, तो दीपावली आते ही अजय याद आ जाता है जी। आपका प्रेम ये आपने कहा कि आपकी चाहे, हालांकि देखिए कार्ड तो कार्ड है, हर चीज का भी लेके अगर भेज देते हैं तो सामने वाले के पास वैसी सी ही फीलिंग चली जाती है कि हाँ मेरे को उन्होंने याद किया। लेकिन उसके पीछे इतनी बड़ी एक चलनी, एक स्टोरी चलनी, वो एक क्रिएटिविटी की एग्जाम्पल है। और क्रिएटिविटी ऐसी चीज है जो ना तो हर जगह पाई जाती है। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी तो है कि जो तार से निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो साज से निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो तार पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। तो आप अजय जब बनाते हो तो एक साल कैसे मेहनत करते हो, कैसे शिद्दत से उसको, तो हमें उस तार पे क्या गुजरती है ये तो नहीं पता चलता, लेकिन साज से आवाज बहुत कर्ण प्रिय आती है, खूबसूरती दिखती है हमें, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बातें क्योंकि आज दीपावली के कार्ड की करनी है और आज हमने अभी कोरोना की बात भी की। इस बार कार्ड बनाते समय फिर अजय से कोरोना भी कैसे छूट सकता था, मेरे को बड़े ध्यान से खोलनी पड़ रही है क्योंकि मैं चाहता नहीं कि मेरी ये कोई चीज इसमें से टेढ़ी हो जाए। आपने अजय ने जो लिखा है मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। मास्क करे सुरक्षा, दीपक से मिटे अंधियारा, दोनों मिलें तो बल है इतना, समय उज्जवल हो हमारा। दीपावली को, दिए को, रोशनी को और बांस को किस तरह से जोड़ा है। और फिर एक बंधनवार इसमें दी और बंधनवार के लिए लिखा कि 9 ग्रह बंधनवार बनकर एक मोती में हैं तय, एक साथ मिलकर आमंत्रित करें शुभ लाभ और विजय। शुभ दीपावली। अजय लिखते हैं छोटी सी बात और जो और खूबसूरती आप उसको महसूस कीजिएगा। दीप दिवस और बाल दिवस 14 नवंबर। जो भी छोटे मास्क दीप और बच्चे, जो भी छोटे मास्क दीपक और बच्चे हमारे भविष्य के लिए ये सिपाही हैं सच्चे। देखिए हमारे भविष्य के लिए मास्क भी जरूरी, बच्चे भी जरूरी और दीपक भी जरूरी। ये जो सफर है रोशनी का वो अजय के साथ चलता चलता कहाँ तक पहुंचेगा ये तो अजय ही जानते हैं। अजय इससे जुड़ी कोई एक खास चीज, कोई चीज शेयर कीजिए। जैसे आपने कहा कि बाहर जाता हूं तो ऐसा मेरे को ऐसे ख्याल आता है, कोई ऐसी किसी एक कार्ड के बारे में कोई थोड़ी सी उसकी प्रेगनेंसी की बात कीजिए। मैं चलो इस वर्ष की कार्ड की बात कर लेता हूँ जी, क्योंकि इनफैक्ट मेरे को भी याद करना पड़ता है कि कौन सा कार्ड कब आया था। मेरे को शायद वर्ष याद नहीं रहता। तो 14 नवंबर मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि बाल दिवस पे दीपावली है। मेरा कार्ड बाल दिवस से कहीं उससे रिलेशनशिप में आना चाहिए। कार्ड की जो सबसे पहली प्राथमिकता होती है वो ये है कि दीपावली है, उत्सव है, पर्व है और ज्योतिर्मय पर्व है। हमको वो शुभकामनाएं उस दिन प्रेषित करनी है। उसके साथ जो सामयिक और समसामयिक विषय होते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम उस वर्ष में जी रहे होते हैं, उसका अगर उसमें पुट आ जाए, उसका उल्लेख उसमें हो तो बात ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है और उसके मायने भी बदलते हैं और लोग उससे रिलेशनशिप भी फॉर्म करते हैं। नहीं तो हम हर वक्त हर साल दीपावली, अयोध्या, राम जी, श्री राम, हनुमान, लक्ष्मी जी, गणेश जी, इनको लेके करेंगे तो वो कहीं न कहीं जाकर के एक जैसे कार्ड बनने लग जाते हैं। तो कोई मैंने प्लानिंग तो कभी की नहीं थी और शायद ये नहीं प्लानिंग ही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही कि प्लान होता तो मैं एक डोमेन में ही घूम रहा होता। तो मेरी कोई प्लानिंग नहीं रहती। मैं ये क्लियर था इस वर्ष कि मेरे को बाल दिवस को लेकर के कार्ड बनाना है। हम कोविड-19 के चलते मास्क को रोज देखते हैं तो मास्क मेरी आंखों के सामने रोज आता था। तो धीरे धीरे मेरे को मास्क में दीपक दिखने लग गया कि ये तो एक छोटा दीपक है, तो इस मास्क को क्यों ना छोटा कर दिया जाए। तो छोटा कर देंगे तो ये तो दीपक का फॉर्मेशन ले लेगा। तो मास्क को अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे तो आप वो एक दीपक के रूप में है और वो इंडिकेटिव सा है। अब उसके अंदर रंग है। अब रंग जो है ये क्या है? ये रंग 9 ग्रह को डिपिक्ट कर रहे हैं। ये अलग अलग जो ग्रह अपने 9 ग्रह हैं जो वैदिक उसमें अपने वेदों में जो जिनकी व्याख्या है और जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो अभी सबको ये लग रहा है कि ये समय अभी अपने लिए थोड़ा कठिन है, ग्रह खराब चल रहे हैं। तो इसमें 9 ग्रह भी आ गए। अब इनका 9 ग्रह जो है, अब मेरे मन के अंदर आप देखिए कि मेरी व्यथा या मेरी जो एक्साइटमेंट या मेरी टेंशन क्या थी कि बच्चों को भी यूज करना है, मास्क को भी डालना है और कोरोना को भी नहीं बताना है और कोविड के बारे में बोलना भी है और समय खराब है, समय को सुरक्षित भी रखना है और एक दिवाली कार्ड भी बनाना है। इनको कैसे जोड़ूं कि कौन सी सब्जी कैसे बनेगी, ये वेजिटेबल्स कहाँ से आएंगे। तो ये होते होते ये हुआ ये कि वो मास्क जो है वो एक दीपक का शेप ले लिया उसने मेरे विचार के अंदर, मेरे इमेजिनेशन में, विजुअलाइजेशन में। और दीपक छोटा बन गया सो दैट इट रिलेट्स टू द चिल्ड्रन एंड देन 9 दीपक जब साथ मिल जाते हैं तो नौ दीपक मिलके एक बंदरवाल बन गई, क्योंकि बंदरवाल, बांदरवाल भी जिसे हम लोग बोलती भाषा में कहते हैं, ये हम घर पे इसको लगाते हैं ताकि जो भी शुभत्व हो वो तो अंदर प्रवेश करे, जो कोई अशुभ हो वो बाहर रह जाए। तो ये आपकी सुरक्षा का एक कवच है। तो ये सारी बातों को जब कॉपी में लिखना होता है, पहले तो वो चीज बने और फिर वो कॉपी आए। तो कॉपी अगर आप मेरे कार्ड की पढ़ेंगे, कोई भी कार्ड की, वो उसके साथ जो मैं एक सिंबॉलिक आइटम भेजता हूँ जो लोग उसको गिफ्ट मानते हैं, जबकि वो होता कार्ड का हिस्सा ही है। लोग मेरे को लिखते हैं वी रिसीव्ड योर गिफ्ट, तो मैं खुद अपने आप पे भी मुस्कुरा लेता हूँ कि वो तो कार्ड ही था। पर वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना मेरे कंटेंट के, कॉपी मैटर के, अगर उस कार्ड को पढ़ेंगे तो आप समझ ना पाएंगे। पर जब अगर आप वो जो मैंने इमेज, जो प्रोडक्ट बना के भेजा है, जैसे बांदर वाला है इस टाइम, तो वो जब आप उसके साथ पढ़ेंगे तो उसके पूरी रिलेशनशिप, उसकी स्टोरी आ जाएगी। तो चैलेंज ये रहता है कामराज जी, जो खुद ही क्रिएट करता हूँ, कोई मेरे को नहीं कहता कि इसको करो, तो वो खुद ही क्रिएट करने के चक्कर में, लाइक आई लर्न फ्रॉम एडमंड हिलरी। एक बात याद आई कि जैसे मैंने अभी कहा दैट मैं खुद ही अपने हिसाब से चैलेंज क्रिएट करता हूँ। मैं जहाँ भी बैठा हूँ उसके ठीक पास से मेरा एक फैक्स मशीन थी, आज से करीबन 15-17 साल पहले। एक कार्ड बना रहा था दिवाली का, जो प्लेइंग कार्ड्स थे, जो अपन ताश के पत्ते होते हैं वो थे, कि प्लेइंग कार्ड्स ऑफ लाइफ बनाया जाए, क्योंकि ताश, दीपावली, एक लोगों का मूड, खेलना, ताश इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ दीपावली, क्योंकि पार्टी में, सेलिब्रेशन में आता है। पर मैं ताश को दीपावली के साथ जोड़ के लोगों को अगर गिफ्ट भेजूं तो वो कोई ताश तो भेजनी नहीं थी। सो आई मेड कार्ड्स विच आर प्लेइंग कार्ड्स ऑफ लाइफ। तो उसमें मैंने 52 जैसे पत्ते होते हैं, तो उसमें 48 लोगों को आइडेंटिफाई किया और उनमें उनको अलग अलग आइडेंटिफाई तो करीबन 100-150 को किया, और उन लोगों को अप्रोच किया, वेदर जगजीत सिंह और वेदर फील्ड मार्शल मैनक शॉ और वेदर उस्ताद जाकिर हुसैन और वेदर कपिल देव और वेदर अमृता प्रीतम, कि ये अपनी एक गोल्डन टिप दें अपने लाइफ की, जो हम उस कार्ड के अंदर दें और मतलब उसके अंदर हम लिखें। तो मैंने इन सब से गोल्डन टिप मांगी थी, तो उन्होंने भेजी। उस कार्ड पे अगर मैं बोलने लगूंगा तो हो सकता है 20 मिनट तक बोलता रहूं, कि वो मेरे लाइफ का, आई थिंक जितने कार्ड बने उनमें से सबसे इंटरेस्टिंग वो था, जिसने मेरे को कम से कम 100-150 लोगों से संपर्क कराया। उनसे मैसेज निकलवाना बड़ा आसान नहीं था, क्योंकि ये वो मैसेजेस नहीं है जो मैंने किसी विकीपीडिया या गूगल पे जाके हंट किए, ये मैंने उनसे मंगवाए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने तो टेलीग्राम भेज करके अपना मैसेज मेरे को भेजा था, और एक एक जने को फॉलो करना, उनके नंबर लाना, उनसे मैसेज मंगवाना। तो जब अमूल के प्रणेता, द फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन, मिस्टर कुरियन, जब मैंने उनसे अप्रोच किया कि कैन आई हैव अ गोल्डन टिप ऑफ योर लाइफ, ताकि मैं उस कार्ड में उसको यूज कर सकूं, तो पहले रिफ्यूजल आ गई कि नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं देते। मैं कहा आई वांट टू स्पीक टू हिम। तो मेरी बात हुई कि व्हाई डू यू वांट, तो मैं तो मैंने अपनी रिक्वेस्ट कर दी। अब वो मेरे दीपावली कार्ड कैसे होते हैं एक नए व्यक्ति को तो समझ में ही नहीं आएंगे, तो उन्होंने बोला कि आप क्या करोगे। मैं दीपावली कार्ड भी यूज़ करूँगा, तो भी उनको समझ में नहीं आया। तो मैंने बात को थोड़ी सिंपल कर दी। मैं कहा मिस्टर कुरियन, first he said I will think whether I will give you or not, then I told him on that phone only, मैं कहा हो सकता है मेरे को मौका दोबारा नहीं मिले। मैं कहा डॉक्टर कुरियन, if somebody is asking for a golden tip of your life, will you not give it to him? यहाँ पे थोड़ा वो साइलेंस आ गई थी और मेरे को लगा कि मेरी बात पहुंच गई है। तो इसे रोक के आई विल लेट यू नो। अगले दिन उनका मैसेज मेरे को आ गया जो उस कार्ड में है। तो हुआ ये कि ये जब प्रिंट होने जा रहे थे सब आ चुके थे 52 लोग के। तो लास्ट में फाइनली एक आदमी जिसको मैं खोज रहा था, एक शख्सियत, उनसे मेरी बस प्रिंट प्लेटें बन गई थी, प्रिंट स्टार्ट होने वाली थी, प्रिंटिंग कार्ड तैयार थे। वो दीपावली कार्ड जहाँ पे वो प्लेइंग कार्ड्स बने थे, वो प्लेइंग कार्ड्स की एक फैक्ट्री है मुंबई में, वहीं पे बने थे। वो नॉर्मल कार्ड नहीं है, वो प्लेइंग कार्ड का जो एक, वो जो एक अलग तरह का प्लास्टिक कोटेड होता है, उस वहीं पे बने थे वो। तो उसमें वो 52nd जो कार्ड एक जो बना, वो मैं सर एडमंड हिलरी को खोज रहा था कि उनसे लूं कि उनकी गोल्डन टिप क्या है। तो अचानक देखता हूँ कि सुबह सुबह मैंने लगाई तो न्यूजीलैंड में, तो उन्होंने फोन उठा लिया। इतने दिन तो उठाई नहीं, कोई फैक्स तो नहीं आ रही थी। तो मैं तो एकदम जैसे कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, तो वो फोन पे मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा दैट इफ आई कैन हैव अ गोल्डन टिप ऑफ योर लाइफ एटसेट्रा। तो उनका जवाब ये आया दैट एग्जैक्टली मेरे को वर्ड याद नहीं है, उसमें मेरे कार्ड में कहीं है, पर जो भी उनके वर्ड्स में नोट कर लिए थे कि इन लाइफ यू मस्ट हैव चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ यू एंड टू ओवरकम द चैलेंजेस यू मस्ट हैव फ्रेंड्स अलोंग विद यू। कुछ इस तरह की बात थी। तो मेरे दिमाग में पिक्चर में आया कि जब चैलेंज माउंट एवरेस्ट एंड फ्रेंड्स टू ओवरकम द चैलेंज, मतलब तेनजिंग की बातें। क्या बात उस आदमी ने कही, अपने जीवन का पूरा निचोड़, जैसे कोई पूरे हिमालय रेंज को उन्होंने अपने 20 शब्दों के अंदर उसमें दे दिया। तो वहां से मैंने एक अपना खुद का फ्रेज कॉइन किया। सर एडमंड हिलरी ने तो ये कहा कि यू मस्ट हैव बीन चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ यू। तो मैंने जो अपने लिए कॉइन किया वो ये था दैट इफ यू डो नॉट हैव चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ यू, अजय चोपड़ा, क्रिएट अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ यू। सो माय दीपावली कार्ड is a challenge to challenge me every year that what are you going to make this time, which I don't know every time that मैं अगले साल क्या बनाने वाला हूँ। और वो सामने पड़ा रहता है तो कुछ ना कुछ होते होते बन जाता है। तो God has been kind and friends like you have been kind. So this is, you know, मैं every card, मैं every word, एक एक word जो use करते हैं उसको 25 बार हम देखते हैं कि ये सही, मैं मतलब हम मतलब मैं। तो ये एक बड़ा interesting phenomenon, it's very interesting journey of my life which I have lived, and you are one recipient of the card. But जो आपने कहा कि वो लेबर पेन, वो कंसीव करना, कौन सा खाना खाना है, उसको उस बच्चे को पोषित कैसे रखना है, बच्चा माई यानी ख्याल को, कि इम्पोर्टेंट बात क्या है जो मेरे को मेरे कार्ड्स में जो मेरी तरफ से है, मैंने अपने फादर से सीखा था कि अगर हम दो जने मिले, कोई भी व्यक्ति मिले या किसी को पत्र दें या फोन पे बात करें, कई बार अपन दोस्त होता है तो गपशप भी करते हैं, हल्की बात भी करते हैं, हल्की मतलब अच्छी आदान प्रदान की, मस्ती की बात। पर अगर हमारा कोई भी कम्युनिकेशन हो, उनका मायने ये था कोई भी कम्युनिकेशन हो, कोई भी एडिटोरियल हम लिखें, कोई भी अगर हम पत्र लिखें, उसमें अगर कोई छोटी मोटा अगर कोई थोड़ा छोटा या बड़ा संदेश नहीं हो तो वो बेमानी है। हम उसमें कुछ संप्रेषण किसी दूसरे प्राप्त करने वाले को अगर दे सकें तो उससे फिर बात बन जाएगी। तो वो ख्याल में रहता है कि मेरे कार्ड के अंदर कुछ छोटा सा संदेश जाए तो शायद मैं लोगों तक पहुंच जाऊंगा। ये प्रयास रहता है, मैं कितना पहुंच पाता हूँ या विफल रहता हूँ या सफल, ये नहीं पता, पर मेरे को लगता है कि शायद मैंने अपनी बात कह दी, किसी तक पहुंच गई तो बहुत अच्छी बात। एक बड़ी सुंदर सी बात शायर ने कही है कि अंधेरा घना है, अंधेरा घना है पर यह बेहतर है जुगनू के लिए। अंधेरा घना है पर यह बेहतर है जुगनू के लिए, शिद्दत से जो चमका तो सितारा हो जाएगा। रोशनी में तो जुगनू का बेचारे का क्या काम, उसको तो अंधेरा चाहिए। और आपने ऐसे ऐसे अंधेरे फाइट किए हैं लाइफ में। मैं बात को समापन की तरफ, पूर्णता की तरफ, मैं इसे पूर्णता कहा करता हूं, मैं समापन नहीं कहता, पूर्णता की तरफ लाता हुआ मैं दो कार्डों की आपके बात करता हूं। आपने ये जो कार्ड बनाया दीपावली का, सफाई के साथ रिलेट करके ये झाड़ू भेजी आपने, झाड़ू में एक अगरबत्ती है और एक फुलझड़ी भी है। तो ये झाड़ू का तो लोगों बाद में आया, इलेक्शन सिंबल बाद में बना, लेकिन झाड़ू आपने बहुत पहले हमें भेजी थी। और आपने बड़ी सुंदर बात लिखी थी कि झाड़ू प्रतीक है लक्ष्मी जी का, झाड़ू प्रतीक है लक्ष्मी जी का, पतली पतली सींकों से गूंथी यह झाड़ू घर आंगन की सफाई कर समूचे वातावरण को निर्मल कर देती है, तभी वहां आगमन होता है मां लक्ष्मी का। आपने दीपावली की सफाई के साथ मां लक्ष्मी को जोड़ा। और भी मेरे पास समय की कमी है, मैं आपसे वायदा करता हूं कि अगर आप मेरे को पूरी रात भी दें तो मैं आपके कार्डों पे लगातार बात कर सकता हूं, लेकिन एक कार्ड पे बात करता हुआ अपने पूर्णता की तरफ लेके जाते हैं। ये जो आपने बहुत कठिन समय में, आपने कठिन समय की बात की, तो कठिन समय भी आपने हार नहीं मानी, कठिन समय में से भी आप जैसे निकले। तो आम लगता होगा किसी को कि इस बार तो कार्ड नहीं आएगा अजय का, लेकिन उस बार भी कार्ड आया। और आपने क्या चीज पेश की, ये मतलब मैं कहूं कि आंखें नम हो जाती हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये जो आपने मैट हाथ से बुनी हुई या जैसे भी है, ये जेल के कैदियों द्वारा बुनी गई मैट है, उसको आपने दीपावली के कार्ड के साथ भेजा। और आपने उसमें कितनी सुंदर बात लिखी है। कार्ड उस साल का अंदर जो पोएम है वो काफी लंबी है, लेकिन आपने उसको, उस आसन को, इस आसन को आपने दीपावली के साथ जोड़कर शिरोधार्य कर वचन प्रथा को, वनवास को सहर्ष स्वीकार किया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, अयोध्या का सिंहासन भी त्याग दिया, कोमल काया पर दृढ़ संकल्प लेकर वन जन जीवन को धन्य किया, वेश ऋषि का साध कर प्रभु राम ने आसन पर निज मन को सिद्ध किया। ये कविता 8 लाइन की होगी, लेकिन इसमें जो फिलॉसफी है वो समझने के लिए समय चाहिए। और वो समझने के बाद जिस लेवल पे पहुंच जाता है आदमी, वो लेवल आपको अजय किसी, मैं, मेरे को ऐसा मन कहता है मेरा, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन कहता है कि जो ये लाइनें लिख सकता है उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, उसको प्रेम क्यों ना किया जाए। और मैंने अगर 25 साल लगाए हैं तो क्या मेरी इन्वेस्टमेंट बेमानी है? बहुत बहुत धन्यवाद अजय। इससे ज्यादा समय भी होता तो भी, अब जो जिस नोट पे मैं खत्म कर रहा हूँ, पूर्णता की तरफ ला रहा हूँ, इससे ज्यादा और कहा भी नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट कामराज जी, जी अभी जैसे आप भी हाथ जोड़ रहे, जब अपने इस व्यू स्क्रीन के अंदर मैं अपनी बॉक्स देख रहा हूँ, और ये जो हाथ जोड़े हुए दिख रहे हैं, आपने जो मेरे लिए कहा, और तो जैसे हाथ जोड़े तो मेरे हाथों के अंदर मेरे को ज्योति दिखाई दी। क्या बात? ये एक ज्योति का रूप है जो पर शायद एक इंसान दूसरे इंसान को जब नमस्कार करता है तो शायद ज्योति दे रहा होता है। ये अभी ख्याल आया है, तो शायद हो सकता है कभी कुछ हाथ ही कुछ और कोई ऐसे रूप में आए कि वो दीपक बन जाए। ये भी मैं आपको नमस्कार करते जब देखा, मैं कह रही दे आर लुकिंग लाइक अ लाइट, जैसे कोई। तो क्या है कि अगर आपका अंदाज चाहिए, नजरिया चाहिए। मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, जिस कार्ड से आपने शुरू की थी बात, कारगिल पे जब बना था तो 519 की जो फिगर है कि 519 शहीद हुए थे, वो उस फिगर को खोजने के लिए मैंने कितनी मतलब इधर उधर ट्राई की, आर्मी ऑफिसर्स एंड जनरल्स एंड ब्रिगेडियर्स एंड यू नो द इन श्रीनगर एंड कारगिल एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कहीं से फिगर नहीं मिल रही थी कि एग्जैक्ट नंबर कितना। वो मन में एक जुनून था कि फिगर तो एक्यूरेटली लेकर के आनी है, कहीं फिगर नहीं मिल रही थी। और जब जॉर्ज फर्नांडिस मिनिस्टर थे उस टाइम, डिफेंस मिनिस्टर, उनके ऑफिस से ली तो फिगर कुछ और ही आ रही थी, कोई 600 समथिंग, पर फाइनली एक जगह से 519 आई। और जब 519 आई तो ये कार्ड में प्रकाशित हुई, और ये मैंने प्रकाशित मतलब प्रिंट हुई और मैंने उनको भेजा। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने लोकसभा के अंदर अपने जवाब के अंदर भी 519 ही कोट किया। तो दैट वाज, आई थॉट दैट माय होमवर्क वाज डन। सो थैंक यू फॉर योर फॉर इनवाइटिंग मी टू द प्रोग्राम, एंड इट वाज लवली स्पीकिंग टू यू। एंड Deepavali card is a story which is a part of me and part of all those who are with me. हम फिर कभी अगली दिवाली या फिर कभी और बात करेंगे। जब आपने बर्फी पिक्चर दिखाई थी तो आपने कार्ड के रूप में, इनविटेशन के रूप में 84 डिब्बी में छोटी में बर्फी भेजी थी। तो आप जब भी बात करते हैं तो मुंह मीठा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, थैंक यू। Live, a platform to sharing your thoughts.